तो ये जगह हमने चूज कर ली है अब अपना टेंट लगाने के लिए। गाड़ी की चाबी कहाँ पे है? गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर। मेरे को दे दो। इस साइड टेंट लगा लिया जाएगा। आओ आपको दिखाते हैं टेंट कैसे लगाया जाता है। ये है पॉपअप टेंट। पॉपअप टेंट का मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको निकालना है और इसको जहाँ बिछाना हो वाओ। और आज की रात के लिए हमारा घर तैयार। ये मैंने कल बांध रखी थी, इसको खूंटियों के साथ गाड़ देंगे जो इसके साथ आई है। और आज की रात हम यहीं सोएंगे और गाड़ी को इसके बिल्कुल साथ खड़ा कर लेंगे ताकि हवा हुआ आए तो ये ज़्यादा दूर उड़े पड़े ना। चलो फिर मैं तैयारी करता हूँ टेंट की, आप लोगों से फिर बात होती है। टेंट टूट गाड़ लें, थोड़ा सेटिंग कर लें, फिर बात करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, हमारा कैंप लग चुका है और अभी खाना बनने लग रहा है हमारे छोटे से चूल्हे के ऊपर। आवाज़ चल रही है तो थोड़ा शेल्टर प्रोवाइड करा दिया गया इसको। क्या बना रहे हो आप खाने में आज? मैं नूडल एग्स। तो आज हम खाएंगे नूडल्स एग्स स्पागेटी करके नूडल्स होते हैं एक तरह के, और बीन्स। तो उसमें बीन्स स्पागेटी और बॉइल्ड एग्स वो खाएंगे, खा के और सो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले कंगारू यहाँ से गया था कूदता हुआ, वो दूर बैठा है अगर आपको दिख रहा हो तो। दिखना मुश्किल है, रात हो रही है। तो सुबह उठ के आपको नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ गोरे भाई साहब ने तो कह दिया था कि भाई हमारे पास नहीं रहना तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, उनको प्राइवेसी चाहिए थी। इट शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर मैं कहूँ मुझे प्राइवेसी चाहिए तो इट शुड बी रिस्पेक्टेड टू। तो चलो कोई बात नहीं, तो कल सुबह मिलते हैं फिर। तो रात को सोएंगे, आएंगे कुकर में एग बॉईल कर दिए। वेरी गुड। तो एग बॉईल हैं कुकर में। ओके, ये हमारी मसालादानी स्पागेटी बीन्स सब रेडी। तो ठीक है, फिर कल सुबह मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों अब सोने की तैयारी है, कैंप में घुस चुके हैं अंदर, अब सोया जाएगा। काफ़ी थके हुए हैं आज, बहुत घूमे, कम से कम 400 किलोमीटर गाड़ी चली, 5-6 अब 10 बज गए हैं, स्पॉट्स गए, टूरिस्ट स्पॉट्स। टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए। तो 9:57 10 बज गए लगभग। तो 8 घंटे भी सोएंगे तो सुबह 6-7 बजे उठा जाएगा, और सुबह 6-7 बजे उठ के फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो फार रोड ट्रिप में एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है अब तक, कोई इतना बुरा नहीं रहा, एक्सेप्ट वो थोड़ी देर पहले गोरा भाई जो बोला था कि हमें अकेला रहना है, पर वो भी ठीक है। उसको बैड एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो। हम इंडियंस की थोड़ी आदत होती है कि नई जगह जाएं, तो अगर अकेली जगह जा रहे हैं तो हम ढूंढते हैं कि कोई ना कोई मिल जाए जिसके साथ हम भी अपना टाइम काट लें। लेकिन गोरों का थोड़ा अलग हिसाब है, इनका ऐसे है कि हम अकेला रहना चाहते हैं तो अकेला रहने आए हैं। तो हालांकि ये बात मैंने पहली बार ही सुनी है किसी गोरे के मुँह से, पर मे बी उसको कोई और प्रॉब्लम हो। एनीवे, तो आज का दिन अच्छा रहा, और आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई हो वो कमेंट करके बताना, कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो हम कर सकें अपनी वीडियो में वो भी बताना,
और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। बस आप लोग देखें, जाने, खुश रहें। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर पूछना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से आंसर कर पाऊँ। तो अभी सोया जाएगा, तो आज के लिए गुड नाइट है। कैंपिंग का सेकंड डे एंड गुड नाइट। पहले भी आपको बोला था बाय के कल मिलेंगे, पर फिर मेरे को लगा थोड़ी बात और कर लेता हूँ। एक बार टेंट के अंदर आपको अपना टेंट दिखा देता हूँ। ये हमारा टेंट है, ये हमारा, ये पॉकेटें हैं इधर सामान रखने के, टेंट्स हैं इधर, पॉकेट्स हैं सामान रखने की। सामान रखा है हल्का फुल्का, एक हथौड़ी ले रखी है साथ में कुछ ठोकना पीटना पड़ जाए तानी। चलो फिर, ओके गाइस, गुड नाइट, हैव फन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज रोड ट्रिप का तीसरा दिन शुरू हुआ है और हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे, करीब 7 बजे उठ गए थे और टेंट वगैरह हमने उखाड़ दिया है, अपना गाड़ी में पैक कर दिया है सारा। तो स्वान लेक कैंपिंग ग्राउंड नाम है इस जगह का और ये पड़ता है शहर माउंट रिचमंड में। और कल गूगल पे खोजा था कि रात को कहाँ रुका जाए, तो यहाँ पे हम आ गए थे। ठीक, अच्छी जगह है, काफ़ी शांत है। बस यूँ थोड़ा उजाड़ से में, तो थोड़ा एक बार फिक्र हुई थी रात को कि कोई है नहीं दूर दूर तक, पर लेकिन रात अच्छी कट गई थी। थोड़ी बारिश हुई थी रात को और टेम्परेचर था रात को करीब अराउंड 18-19 डिग्री, नॉट बैड। तो अच्छे से नींद आ गई थी। अब 2 दिन हो गए नहाए नहीं, तो अभी कुछ नहाने का जुगाड़ कर रहे थे कहाँ नहाए। परसों घर से नहा के निकले थे कल नहीं नहा पाए, तो आज लग रहा है आज तो नहाना पड़ेगा। वैसे कैंपिंग में ज़्यादा नहाया धोया तो जाता नहीं, जहाँ मौका लगे नहा लो। तो हमने ये पानी की टूटी ढूंढी है यहाँ कैंपिंग ग्राउंड में, ऐसी कई पानी की टूटियाँ हैं, नल के नल, पानी का नल हमारे टूटी बोलते। तो अब हम इस नल पे नहाएंगे। इस यहाँ पे बोर का, धरती का पानी यूज़ होता है जो कि अनट्रीटेड है। लिखा हुआ है इन्होंने कि ये बोर का पानी है, अनट्रीटेड है, तो इसको पियो मत, बाकी आप यूज़ में ले सकते हो हाथ पैर मुंह धोने के लिए या कुछ और काम के लिए। तो भी हमारे पास बकेट है, हम लेके चले थे घर से, नहाएंगे धोएंगे थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर आगे अपना कारवां बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, नहाते धोते हैं फिर मिलते हैं। हाँ, और उन पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा डेजर्ट है, डेजर्ट बिल्कुल वैसा डेजर्ट जैसे अपने जैसलमेर राजस्थान वगैरह में होता है। और डेजर्ट के तुरंत बाद पार करते ही डेजर्ट को, छोटा सा ही डेजर्ट है, छोटी सी स्ट्रिप है डेजर्ट की, पता नहीं कैसे है, वो दिख भी रहा होगा आपको वहाँ ऊपर, वो थोड़ा सफ़ेद से रंग की रेत। और जैसे ही वो पार करोगे, पार करते ही वो डेजर्ट की स्ट्रिप समुंदर है। तो हमें पता नहीं कि वहाँ तक पैदल जाया जा सकता है या नहीं। यहाँ पे लिख रखा है कि वो जो एरिया है वो 4-व्हील ड्राइव जो रेसिंग कार वगैरह हैं उनको, जो स्टंट्स वगैरह करने होते हैं, जो एडवेंचर करना होता है कार के साथ, वो लोग वहाँ पे जाते हैं परमिट लेके। तो हालांकि हमारा तो ऐसा कोई मूड है नहीं कि हम वहाँ पे अपनी इस छोटी सी कार में जाके स्टंट करें, ऐसा बिल्कुल भी मूड नहीं है। वो 4-व्हील ड्राइव्स के लिए हैं, बड़ी बड़ी ऊंची गाड़ियाँ और जिनके बड़े बड़े इंजन हों, हमारी तो छोटी मोटी गाड़ी है वो नहीं कर पाएगी। तो हम कोशिश करेंगे लेकिन आज वहाँ तक पैदल जाएं और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ जाके, या जाते हुए मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, तो हम नहा लिए धो लिए, अपना शेव वेव कर ली, काफ़ी अरसे के बाद इतना खुले में नहाए, बड़ा अजीब सा लगा एक बार तो, लेकिन मज़ा बहुत आया, खुले में नहाने का मज़ा ही अलग है।
बात तो ठीक है, कभी छोटे होते थे गांव में जाते थे, वहां नहाते थे खुले में ट्यूबवेल पे, या जिस शहर से मैं हूँ हिसार शहर हरियाणा में, वहाँ पे एक नहर है, उस नहर में नहाते थे। तो अभी तो काफ़ी अरसा हो गया था हम नहाए नहीं थे इतने खुले में, आज नहाया वो भी इतने खुले में मज़ा ही आ गया। तो अभी हम रेडी हैं, बिल्कुल नहा दोगे और अब निकलेंगे आगे। तो चलो फिर, गुड मॉर्निंग। धूप निकल रही है, जा रही है, बूंदाबांदी हो रही है, रुक रही है, मतलब मौसम का कोई भरोसा नहीं अभी इस टाइम, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलो फिर कारवाई को आगे बढ़ाते हैं अभी। ओके,